दोस्तों, मेरा नाम आयुष्मान कुमार, आप देख रहे हैं लखनऊ बॉय आयुष्मान। तो मैं आज यहाँ पे लखनऊ के ठाकुरगंज शोरूम के बाहर खड़ा हूँ। तो आपने मैं ये देख सकते हैं, आप ये जावा शोरूम है। तो मैं इसके अंदर चलता हूँ, आप देखते हैं कि हम शोरूम वाले हमको वीडियो बनाने देंगे या नहीं देंगे, पता नहीं। तो मैं अभी अपनी स्कूटी से हूँ, तो स्कूटी को यहाँ पे पार्किंग में खड़ी करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि बनाने देंगे या नहीं बनाने देंगे। जावा के शोरूम के बाहर भी बहुत सी यानी तीन बाइकें खड़ी हैं, आप देख सकते हैं जिस टाइप से। देखते हैं, अब देखते हैं कि ये हमको बनाने देंगे या नहीं देंगे। चलिए अब इसकी स्कूटी को पार्क करते हैं। मैंने पार्क कर दी है यहाँ पे, अंदर भी गाड़ी दिखाई दे रही मुझे खड़ी हुई। तो देखते हैं कि बनाने देंगे या नहीं, देखते हैं। बना सकते हैं ठीक है तो बना तो यहाँ पे हमको यानी इजाजत दे दी है ये देखो पूरा शोरूम मैं आप दिखाता हूँ बाद में ये देख सकते हैं तीन बाइक खड़ी हैं यहाँ पे ये खड़ी है पूरा शोरूम पूरा देख सकते हैं आप लोग। चलिए आपको दिखाते हैं जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई थी उसमें जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज होते थे उसका दिखाते हैं आपको। ये उस समय ये जो है दूरबीन है, उस समय बेसिकली वही यूज़ करते थे वो लोग, ठीक है। और ये कंपास है जिससे ये दिशा निर्धारित होती है कि कौन से दिशा में आप हैं। ये टेलीस्कोप होता है जैसे दूरबीन टाइप का ही है, और आपका ये 4 से 5 किलोमीटर की दूरी आराम से देख सकते हैं, 4 से 5 दूरी। हाँ, बाकी अगर 5 से ऊपर देखना होगा तो उसमें आपको ये इसमें बड़ा टेलीस्कोप है, खींचने पे काफी लंबा होगा। बाहुबली टीम में बाकी ये आपका रेडियो है, रेडियो आधी बजता है, इसमें सेल नहीं है इसमें। अच्छा है। और ये भी होता है कंपास टाइप का है, जैसे इसमें ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ होता है ये सब दिशा वगैरह पता चलते हैं। ये आपको लिखा होगा ये जो अच्छा ये देखिए आप लोग इसमें यानी देख के पढ़ सकते हैं कहाँ का है क्या है। और ये क्या सर? ये एक अरे उसी की तरह है वो जैसे पहले वो हुआ करता था, टीवियाँ वगैरह होती थी, टेलीस्कोप। अच्छा अच्छा उसी टाइप का है ये। और सर ये यानी बेल टाइप की ये बेल है। अच्छा ये तो बेल नॉर्मली ऐसे ही यूज करता है। बाकी ये फॉग लाइट है, यहाँ लाइट जो बड़ी लाइट होती है। तो ये चलती नहीं है क्या? ये ऑन नहीं है, कनेक्शन भी नहीं है। अच्छा अच्छा नहीं ये काम करती है। ये तो घड़ी उसी टाइम की नॉर्मल घड़ी है। अच्छा नॉर्मल घड़ी है। और ये बक्सा? बाकी बक्सों में ये सब गैजेट रखे हुए हैं जो पहले वाला। अच्छा और सर जो ये इन दोनों में रखा है वो? इन दोनों में भी खाली होगा सर ये। अच्छा क्या निकाल दिया गया और कुछ है नहीं। और इसके नीचे वाले में? इसमें भी कुछ है नहीं, इसका ही है। अच्छा ये खाली रखा हुआ था इसी के केस। अच्छा अच्छा और सर ये बुक्स? ये बुक्स वगैरह ये आपको नॉवेल होगी जो जावा का आपको वो बताती है, जावा की हिस्ट्री बताती है। हाँ वो यहाँ पे लगी हुई है, ये जावा की हिस्ट्री बुक है, इसमें आप पूरा देख सकते हैं यानी पूरी यानी जावा की कहानी। और सर ये नॉवेल्स वगैरह है? नहीं ये चाइना वगैरह में जो पादरी वगैरह होते हैं वो यूज़ करते हैं ये। अच्छा उनका है कुछ मतलब। अच्छा सही है। यू आर राइट लिखा हुआ है, ये जावा के हेलमेट्स लगे हैं, ये कुछ जावा की तस्वीरें।
ये है पूरा शोरूम, यहाँ पे पूरा इसी टाइप का भाई यही बैठे हैं। कल आने के बाद इसमें वीडियो बनाएंगे। यहाँ पे दो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, दो गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये जावा पैराग और भाई दोनों, इनकी वीडियो कल आएगी आपके पास। ये शोरूम है वो ठाकुरगंज लखनऊ, ये रही अपनी स्कूटी। चलो कल भी तो फिर आप लोग से कल